सोच साहस सरोकार। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 26 लोगों की मौके पर ही मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल। ट्रैक्टर ट्रॉली और एथेनॉल से भरे टैंकर में टक्कर के बाद लगी आग, घायलों का उपचार जारी। इंडोनेशिया में हारने वाली टीम के फैंस मैदान में घुसे, आंसू गैस लाठीचार्ज के बाद मची हकभकदड़। जियो 2023 से देश भर में लॉन्च होगा 5G सर्विस, कांग्रेस अध्यक्ष के लिए थरूर और खड़गे में मुकाबला। नमकीन फैक्ट्री में चूल्हे पर रोटी बना रहे थे मजदूर, दूसरे मजदूर के हाथ से फिसली कढ़ाई। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। गोरखपुर में विजयदशमी के मौके पर गोरखनाथ मंदिर से रामलीला मैदान तक निकलने वाली शोभा यात्रा के मद्देनजर गोरखनाथ मंदिर परिसर और इलाके में पुलिस फ्लैग मार्च निकाला गया। वहीं मंदिर में जिले के आला अधिकारियों ने फ्लैग मार्च का नेतृत्व किया। इस दौरान जिले के DM कृष्णा करुड़ेश, SSP गौरव ग्रोवर, SP सिटी कृष्णा विश्नोई और तमाम क्षेत्राधिकारी फ्लैग मार्च में शामिल हुए। CM योगी आदित्यनाथ की शोभा यात्रा के रूट पर पड़ने वाले घरों पर पुलिस बल के जवान तैनात रहेंगे। 4 तारीख को जो विजयदशमी के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा इस क्षेत्र में जिसका आयोजन होना है, उसकी सुरक्षा व अन्य व्यवस्थाओं को देखने के लिए आज हमारे और DM साहब द्वारा और साथ ही साथ जो जिला प्रशासन के और पुलिस के जो अधिकारी हैं उनके साथ यहाँ स्थलीय भ्रमण और रूट मार्च किया जा रहा है। विशेष रूप से उस दिन आयोजन को कैसे सुरक्षा के सुदृढ़ घेरे में जो आसपास की जो पब्लिक है, जनता है, उनको सुगमता के साथ और सुरक्षा के साथ कैसे पूरा आयोजन संपन्न हो। कानपुर के साठ थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 26 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, साथ ही कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायलों का इलाज जारी है। जिसके बाद जिला अस्पताल हैलेट में सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है। वहीं इस घटना के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, PM मोदी और CM योगी समेत कई नेताओं ने ट्वीट कर शोक जताया, साथ ही मृतकों और घायलों के परिजनों की आर्थिक मदद का भी ऐलान किया है। मौजूद हमारे साथ महापौर मैम, आपने जांच किया यहां पे क्या? बड़ा बेटा, ये बहुत दुखद समाचार है। अब इतने हमारे शहर के लोग देहात के मंदिर से आ रहे, उनकी मर गए हैं, इसके लिए मैं बहुत आहत है मेरा मन। अभी मैं देखने गई थी, यहाँ व्यवस्था ठीक है, सब ठीक है। लगातार दूसरी घटना और हुई है, उसको लेके जाके हाँ, उसको भी अभी जाके देख कर आएंगे। अब ये घटना तो वे दुर्भाग्य है। हरदोई में राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति द्वारा जिला होमगार्ड्स कार्यालय के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर DG होमगार्ड्स विजय कुमार मौर्य की भी गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यालय पहुंचने पर मंत्री का स्वागत जिला कमांडेंट होमगार्ड्स मनोज कुमार द्वारा किया गया। मंत्री द्वारा शिलापट का अनावरण कर कार्यालय का लोकार्पण किया गया। कार्यालय परिसर में मंत्री एवं DG होमगार्ड द्वारा वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर जनपद में अधिकारियों, होमगार्ड स्वयं सेवकों और अन्य अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों की प्रशंसा की गई, साथ ही होमगार्ड जवानों का मनोबल बढ़ाया गया। अलीगढ़ के राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा विभाग के तत्वाधान में 50वीं जवाहरलाल नेहरू बाल विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया। संयुक्त शिक्षा निदेशक डॉ. मुकेश अग्रवाल और जिला विद्यालय निरीक्षक सुभाष गौतम के निर्देशन में श्री उदय सिंह जैन कन्या इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य श्रीमती प्रियंका जैन, राजीव कुमार अग्रवाल के संयोजन में किया गया। जिसमें बच्चों ने अपनी रचनात्मकता और क्रियात्मकता का प्रदर्शन किया है। बहुत अच्छे मॉडल्स बच्चों ने बनाए हैं,
ग्रामीण क्षेत्र के भी बच्चे आए हैं शहरी क्षेत्र के साथ साथ, और ग्रामीण क्षेत्र में भी हमारी प्रतिभा भरपूर है। जैसा मोदी जी का नारा है कि प्रतिभा कहीं भी हो उसको निखारना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, उसी के तहत ये प्रयास है और बच्चों ने बहुत सुंदर प्रदर्शन किया है। यदि बच्चों को हम अवसर प्रदान करें, उन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करें, उनको सिखाने का काम करें। मथुरा में रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के सिपाहियों की सूझबूझ से एक रेल यात्री की जान बच गई। दरअसल चलती ट्रेन से यात्री को दिल का दौरा पड़ा था। स्टेशन पर ट्रेन के रुकते ही यात्री को प्लेटफॉर्म पर लाया गया, वहीं मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस बीच आरपीएफ के सिपाही अशोक कुमार पहुंचे, यात्री को तुरंत एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। सर उससे ये फायदा हुआ है कि पेशेंट उस कंडीशन में रिवाइव हो गए, उस कंडीशन में रिवाइव होने से आगे का हम डॉक्टर्स के लिए इजी हो जाता है कि हम लोग क्रिटिकल केयर फैसिलिटीज देके उनको अच्छे से हैंडल कर सके और कार्डिक मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इसके अलावा क्रिटिकल मॉनिटरिंग के लिए, क्योंकि जीवन ज्योति हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर बेसिकली क्रिटिकल केयर का अच्छा हॉस्पिटल माना जाता है मथुरा में, इसलिए पेशेंट हमारे पास आए और अभी पेशेंट पर काफ़ी इम्प्रूव हो गया। लगभग 11 बजे हो गया, उसके बीवी वो मुझे ऐसे बुलाया, उसको सांस नहीं लिए, वो ऐसे बैठा था और हम लोग उसको नीचे उतरा, वो ऊपर अपर वर्क में था, वो हम उसके नीचे आके उसको फर्स्ट एड दे दिया। वो उस समय वो मथुरा स्टेशन आने समय था और उन्हें थोड़ा और ट्रॉमा रहना उसमें पैसेंजर्स, उन्होंने बोला मथुरा स्टेशन है आप वहाँ उतरिए, वहाँ से एम्बुलेंस लेकर हॉस्पिटल जाना अच्छा है। गौतम बुद्ध नगर में सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने अपने जन्मदिन के अवसर पर कार्यकर्ताओं के साथ शपथ ली कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे और जल की आवश्यकता बर्बादी को रोकते हुए जल संरक्षण को बढ़ावा देंगे। वहीं शादी का कार्ड जिन पर चढ़ी होगी प्लास्टिक उनमें शामिल भी नहीं होंगे। सरेनी में सियार को बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित होकर खंती में गिरकर पेड़ से टकरा गई। गनीमत रही कि तीनों कार सवार बाल बाल बच गए। थाना क्षेत्र के बेनी माधवगंज कस्बे के रहने वाले पति पत्नी और बेटा सुबह लालगंज से गांव आ रहे थे, जैसे ही उनकी कार लालगंज रामपुर मार्ग के नया पुरवा गांव के सामने पहुंची तो सड़क पर एक सियार आ गया। सियार को बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित होकर खंती में गिरकर पेड़ से टकरा गई। नाम है आपका? मेरा अजय कुमार शर्मा नाम है। और कैसे क्या घटना हुई है? सामने से एक सियार आ गया तो उसको बचाने के चक्कर में क्या हुआ? उसको बचा रहे थे तो गाड़ी खंती में चली गई। कितने लोग थे गाड़ी में? तीन, हमारा बच्चा था, हमारी मैडम थी। सभी लोग ठीक हैं? हाँ सब लोग ठीक, कोई। कहाँ पे हुआ है सर? इसी जगह पर्वत झड़क है। संभल के असमोली थाना क्षेत्र के गांव खानपुर बंद में चोरों ने मकान को निशाना बनाया और राज मिस्त्री के घर से नकदी समेत 5 लाख के माल पर हाथ साफ कर दिया। सुबह जब पीड़ित की आंख खुली तो कमरे में बिखरा सामान देखकर होश उड़ गए, तब पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का मुआयना किया, वहीं पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। गाजियाबाद में किसान क्रांति गेट के गाजीपुर बॉर्डर पर किसान ने हवन किया। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत और राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने ऐलान किया है, साल 2018 में किसान क्रांति यात्रा के दौरान शांतिपूर्वक पद यात्रा के सामने बैरिकेटर लगाकर रोका गया था, जिस घटना के चलते हर साल यहाँ किसान आते हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।